डांसिंग एवं सिंगिंग की बुरहानपुर में प्रस्तुति देने के बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर गोवा, नेपाल और श्रीलंका में भी प्रस्तुति दे सकेंगे जिले के होनहार कलाकार। मध्य प्रदेश स्टेट परफॉर्मिंग आर्ट्स चैंपियनशिप के बैनर तले 19 नवंबर रात्रि लालबाग रोड स्थित तुलसी मॉल के प्रांगण में गीत गायन व नृत्य का भव्य आयोजन सशक्ति पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को लेकर श्री जंगाले ने कहा कि जिन युवाओं में अच्छी प्रतिभा छिपी है उन्हें अच्छा मंच प्रदान कराना और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका प्रदान कराना संस्था का अच्छा प्रयास और उद्देश्य है। वहीं संस्था के प्रदेश सचिव जिन प्रकाश माली ने बताया कि उनका उद्देश्य कलाकारों को गीत संगीत व नृत्य के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक चला जिसमें 100 से अधिक कलाकारों ने गीत व नृत्य पर एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिनारती प्रकाश माली ने बताया कि राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन खंडवा में 6 से 7 जनवरी को आयोजित किया गया है। इसके बाद चयनित कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे नेपाल, श्रीलंका में भी प्रस्तुति दे सकेंगे जिसके बाद उन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में कई कलाकारों को उपहार व सर्टिफिकेट भी दिए गए। निर्णायक के रूप में नामदेव भोईटी, रवि फुलमाली, श्रीमती शक्ति गुप्ता थे। सिद्धेश नाइक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने कलाकारों का निर्णय लेते हुए चयनित किया। बता दें कि पिछले वर्ष प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश मोलिशा गुप्ता इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा गया था। इनके द्वारा भी नृत्य पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर बतौर अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए समाजसेवी विजय जैन, बलराम गोलानी, अमित धारा, मदाशानी, राहुल खेतकर ने सभी कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी और सभी बालागण के साथ ही भूषण जी शामिल थे। कार्यक्रम का सफल संचालन चिन्मय सिंह तनवर ने किया। इन्हें मिला बेस्ट सिंगिंग और डांसिंग अवार्ड। बेस्ट डांस बेस्ट सिंगिंग में राष्ट्रीय स्तर पर गोवा में होने वाले आयोजन में जाने का मौका मिला। बेस्ट गीत का स्वर्ण पदक रौनक पवार, स्वर्ण पदक विधि पाटिल और ब्रॉन्ज पदक पराग शुक्ला, रजत पदक भगवान दास शाह, रजत पदक श्रेणी में श्रियास श्याम चाल से रहे डॉक्टर पैच, डांस सपोर्ट्स में स्वर्ण पदक हनी बोदुड़े, रजत पदक वंशिका वशोर, ब्रोंज पदक सुभाता पांडे ने स्थान हासिल किया। बुरहानपुर से अनिल महाजन की खबर। पिछली बार भी हम बुरहानपुर से काफी सारे चमकते सितारे गोवा लेके गए थे सिलेक्ट करके एंड वो फिर वहां से नेक्स्ट लेवल के लिए नेपाल एज ए इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए गए थे। तो इस साल भी हम वही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब सिलेक्ट होके स्टेट भोपाल में जाए परफॉर्मेंस के लिए, फिर वहां से वो सिलेक्ट होके एज अ नेशनल चैंपियनशिप परफॉर्म करेंगे खंडवा में एंड देन वो इंडिया को परफॉर्म करने जाएंगे सारे पार्टिसिपेंट्स नेशनल इंटरनेशनली नेपाल में जो कि रहेगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी है। इसी एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, पैशन के साथ जुड़े रहिए।